अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो इस वक्त जो है हम खा रहे हैं रात का खाना, और आज हमने खाने में बनाया है ये मज़ेदार सा अचार गोश्त। खाना टाइम मतलब खाना साथ ही साथ चल भी रहा है सभी का, और ये तैयार हो चुका है पड़ोस के लिए भी। तो ये रहा मज़ेदार सा प्लेट ही तो बनाई थी, मज़ेदार सा अचार गोश्त बहुत अच्छा बना था। और देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सब ने खा भी लिया। बस अब ये लेकर जाना है पड़ोस में, देखते हैं कौन जाएगा। और टाइम इस वक्त हो रहा है रात के 11, मतलब आज भी संडे का ही दिन चल रहा है। संडे का व्लॉग ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ और आगे भी चल रहा है व्लॉग। तो खैर बस जल्दी से काम करते हैं और मैं जाती हूँ बैक टू सिलाई। और नवाल बेचारी तैयारी कर रही है यहाँ स्कूल जाने की। 2 महीनों के बाद फाइनली उसके वेकेशंस ख़त्म हुए हैं और वो जा रही है स्कूल। तो आज उसका यूनिफॉर्म सेट हुआ है, आयरन हुआ है, और अब फाइनली बारी आ चुकी है बैग की। और मैं साथ ही साथ कर रही हूँ अपना काम जो मैं हमेशा से करती ही रहती हूँ। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता जाता है मुझे, मैं फ़ौरन सिलाई कर लेती हूँ। तो अब भी मैं कर रही हूँ ये सूट सिलाई। आज के लिए इतनी सिलाई बहुत है, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो दोनों पांचों में मैंने इतना इतना काम किया है। ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है, मतलब डबल डबल इस तरह से सिलाई लगाई है पूरे ट्राउज़र में ही, जो कि हमेशा ही लगती है। खैर तो मैं बहुत थक भी चुकी हूँ इसलिए मैं ज़बरदस्ती काम नहीं कर रही, बस इतना सा इतना इतना ही मैंने दोनों ट्राउज़र पे बनाया है, मतलब दोनों पांचों पे बनाया है। वैसे ये सेंटर बेल जो है ना मुझे लगानी थी इस ट्राउज़र पे, मगर अब मुझे सही लग रही है ऐसे ही, तो मैं ये नहीं लगाऊंगी सेंटर बेल्ट, ये डायरेक्ट अब मैं लगा लूँगी कमीज़ के लिए। कमीज़ के लिए मुझे दूसरी मंगवानी थी तो बस अब मैं नहीं मंगवाऊंगी, ये वाली इसी पे लगा दूंगी। और ट्राउज़र पे इसी तरह की सिंपल डिज़ाइनिंग ही रखूँगी जैसे कि मेरी अम्मी को पसंद है। तो अब तो मैं बहुत थक चुकी हूँ और काम में बिल्कुल भी नहीं करने वाली, तो इसको अब पैकअप कर लेते हैं। ये रहा, ये हो गया पैकअप, बस ये हो गया मशीन बंद, और अब मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में सुकून से रिलैक्स करने। The next day. तो अगले दिन भी हमारा खाना हुआ इसी अचार गोश्त से जो हमने कल रात में बनाया था। तो अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, शाम के बज रहे हैं 7 और मैं जो है सो चुकी थी। ना ही मेरा व्लॉग बना आगे, ना ही मैंने सिलाई की, ना ही कुछ काम, मेरे स्टूडेंट्स भी आए थे तो नवाल ने उन्हें पढ़ाया, तो बस जो है मेरा आज का दिन सोने में गुजर गया। 7 बज रहे हैं, बाकी सारी आवाम भी सो रही है, तो कॉफ़ी मैंने पकने के रख दी है। अभी जाती हूँ, बाकी सारी आवाम को भी ज़रा उठाती हूँ मैं, होश में लाऊँ उन सबको भी। तो कॉफ़ी पीने के बाद डायरेक्टली व्लॉग शुरू हो रहा है रात के खाने से। तो कॉफ़ी का जो है मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई थी, उसके आगे मेहमान आ चुके थे हमारे घर, मतलब जब वो रेडी हुई, और मतलब आगे भी मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया। और ये रहे हमारे जो छोले हमने कल बनाए थे, आधे में छोड़े थे चिकन छोले, नाम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखेंगे खा के कि ये क्या चीज़ बनती है। और ये है गर्मा गर्म रोटियाँ, ये रही बन रही है, और साथ में है थोड़ा सा बचा हुआ अचार गोश्त। तो आज का खाना होगा ये सब। तो अब मैं आ चुकी हूँ, मतलब मैं चली गई थी सिलाई करने के लिए, और अब मैं आ चुकी हूँ ब्रेक लेने। और ये मेरे चनौती भाई ने बनाई है चाय, चाय का कलर आप देखें कितना हसीन, बस जैसी भी है शुक्र है तैयार में चाय मिल गई। तो मैं आ चुकी हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने, मैं बहुत थक चुकी थी और सभी इस वक्त बल्कि जाग रहे हैं, कोई सोया नहीं है। और टाइम हो रहा है 1:30, मतलब मेरा इरादा है 3 बजे तक सोने का, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए जाऊँगी दोबारा से सिलाई करने, बहुत थक चुकी थी मैं इसलिए थोड़ी देर आ गई। और अभी हम देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बस कुछ देर ही देखूँगी उसके बाद मैं दोबारा से चल जाऊँगी सिलाई करने। अब बज रहे हैं तकरीबन रात के 2, या तकरीबन क्या टाइम हो रहा है देख लेती हूँ, रात के 2:18 हो रहे हैं, और मैंने तकरीबन 40 मिनट तक तो लगा दिए तारक मेहता देखने में। और ना अब मैं आ चुकी हूँ फाइनली सिलाई करने के लिए, ये रहा कुछ इस तरह का है ट्राउज़र, बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस इसमें भी ना फाइनल है डोरी पाइपिंग लगानी है, सूट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस जो है ना मैं जल्दी से सिलाई करती हूँ, इसे फाइनल करती हूँ, और अभी के अभी मैं थोड़ी सी देर में दिखा देती हूँ ये। तो ये रहा, इसके स्लीव्स भी मैंने लगा ली, लेस दामन भी बिल्कुल रेडी है, चाकू भी मैंने लगा ली है डोरी पाइपिंग, मगर जो है ना इसको आयरन करना है और फिर इसे सेट करके करना है, और ये यहाँ नहीं हो सकता, हो सकता है दूसरे रूम में। और वहाँ जो है इस वक्त हो चुकी है आधी रात, तो तकरीबन अभी 3 बजने ही वाले हैं। तो अब मैं भी बस पैकअप करती हूँ और सो जाते हैं। ये जो है ना थोड़ा सा काम है तकरीबन 10 मिनट का मुश्किल से, बस ये जो है ना कल किसी भी टाइम में कर लूँगी, कल जो है इंस्टीट्यूट भी जाना है। तो बस फ़िलहाल अभी करते हैं पैक, ये रहा जो कि हो गया।
और करते हैं सोने की तैयारी। So many dreams, yeah, in my life, I dream a lot of things.